हर कदम पे खिदमत, हर कदम पे तहजीब। याद रखिए होटल टिप्स इंटरनेशनल। टिप्स बिफोर यू ईट एंड टिप्स बिफोर यू लीव। होटल टिप्स इंटरनेशनल। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। वो कल हमने घड़ियां मंगवाई थी नहीं? सर मैंने सारी लगवा दी है सर। गुड, यू आर वेरी गुड। इनमें तो सब में 11:30 बजे हुए। लेकिन सर टाइम इतना हुआ है ना 11:30। ओहो, वो तो इंडिया में टाइम 11:30 हुआ है। टोक्यो में अलग टाइम है, दुबई में अलग, लंदन में अलग टाइम है। सॉरी सर, हमारा मकसद है कि होटल को इंटरनेशनल लुक दो। सॉरी सर, मैं अभी ठीक करवाती हूँ। और वो कहाँ है राम मूर्ति और राम तीर्थ? सर वो दोनों तो बाहर लॉन में घास काट रहे हैं सर। ओहो, उन्हें घास काटने के लिए नहीं रखा सर? तो फिर उन्हें बाथरूम की सफाई के लिए लगा देते हैं सर। नहीं नहीं, वो जो राम तीर्थ है ना उसे तो यूरोपियन बनाओ, और वो जो राम मूर्ति है बलिया का रहने वाला उसे शेख का मेकअप करवा के लॉबी में बिठाओ, ताकि लोगों को पता चले यहाँ फॉरेनर्स भी ठहरते हैं। Anything else, sir? और कल से तुम अपने हेयर स्टाइल को भी जापानी टच दो, और ये बच्चे को घर छोड़ के आया करो। हेलो बेटा, चमोली किधर है? सर अंदर है सर, चाइनीज रेस्टोरेंट में। वो मैं तुझे कितनी बार बोल रहा हूँ कि चीनी सेवियां 3 नंबर टेबल पे भेज दे, सुनी नहीं रहा? कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है। सॉरी सर, अभी लगा देता हूँ। चमोली, मैंने तुम्हें इस चाइनीज रेस्टोरेंट का इंचार्ज किस लिए बनाया? सर ये देखने के लिए कि चाइनीज रेस्टोरेंट का काम ठीक चल रहा है या नहीं। मूर्ख इसलिए कि तुम्हारी शक्ल चाइनीज है, ताकि लोग समझे कि सीधा शंघाई से आया। तूने जारी आ रही लगा रखी है। सॉरी सर, जब तू बोलता है साफ पता चल जाता है कि बिहारी छोकरा। सॉरी सर। यस नो के सिवा कुछ नहीं बोलना। ओके सर। और अपनी मूछें भी थोड़ी लंबी करो, मूछ ऐसे लगनी चाहिए जैसे मुंह से नूडल्स लटक रही हूँ। इंटरनेशनल टच दो। ऊपर बैठ के कॉफी पियो। सरदार जी, हमका कोई लस्सी अस्सी दिलवाई दियो, ये काफी पीने का हमारा कलेजवा बाहर को आ रहा है। तुम समझते क्यों नहीं, तुम यहाँ फॉरनर बन के बैठे हो, विदेशी बन के। तुम्हें दिहाड़ी पे रखा है, कॉफी पीने के पैसे मिलते हैं, आराम से कॉफी पियो। चलो चलो, अब हम देशवा में का चिट्ठियां लिखेंगे, का नौकरियां करत नहीं। चुप चुप हो जा बबू, चुप हो जा। उधर एक मेहमान आ रहे हैं, काफी काफी पियो। वेलकम सर, वेलकम। ये है मिस्टर गैरी एंड सुमित। वेलकम सर। गुड रूम्स हियर। वेरी कंफर्टेबल रूम सर। फॉरेनर्स भी ठहरते हैं? जो फॉरेनर्स एक बार यहाँ ठहर जाए फिर यही ठहरते हैं। वो देखिए हमारे परमानेंट गेस्ट। मिस्टर गैरी एंड सुमित यहाँ एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं। एक अच्छा सा होटल देख रहे हैं जहाँ 30 डेलीगेट्स का इंतजाम हो सके। नो प्रॉब्लम सर, वी कैन मेक ऑल द अरेंजमेंट्स। अभी तो उनकी 4 दिन की स्टे है, अगर इन्हें आपका होटल पसंद आ गया तो कॉन्फ्रेंस यहाँ भी हो सकती है। सर्टेनली सर, आप इन्हें कहिए कि कॉन्फ्रेंस यहीं करें। मैडम, इन्हें 201 में चेक इन करवाओ, जो हमारा बेस्ट रूम है। ओके सर। रूम कंफर्टेबल? वेरी कंफर्टेबल, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। आप उनसे पूछिए हाउ कंफर्टेबल दे आर। चलिए आप लगेज। कॉलर को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा है सरदार जी ने। झटका का ही मारा था। अरे भैया ऐसा लगा था हमारे चौके में कौन जंतु वंतु घुस गया है। कीड़ा वीड़ा है का? कीड़ा वीड़ा ही लगा था भैया। तू मसल दे, बाहर से मसल दे। हमारा ठहरा ससुर को अब हम ढूंढ के मसल दे थे। पकड़ लिया। शोर बिल्कुल नहीं मचाना, साहब ने कहा। जल्दी करो भाई जल्दी, साहब ने कहा है बिल की बात बिल्कुल नहीं करनी। देखो जो भी चीज सर्व करो वो गर्मा गर्म और बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। जल्दी जल्दी। अरे भाई 201 रूम नंबर में जो फॉरनर्स ठहरे हैं ना उनके लिए सूप जरा जल्दी ले जाओ यार। चमोली साहब वही ले जा रहा हूँ।
अरे कहां फंसवाए दिया हो बबुआ, अरे सास माँ ऐसी घुटन होता है, ऐसी घुटन होता है कि चार दिन भी बहुत मुश्किल से कटी है। ठीक कहा तो इसे अच्छा तो बाहर घास काटे में लगाई दिया हो। और क्या? अरे खुली हवा में तो बैठने को मिलत रही। हाँ। चेकआउट कर रहे हैं तो कांग्रेचुलेशंस भट्टी साहब, आपकी सर्विस से इंप्रेस होकर इन लोगों ने फैसला किया है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस यही होगी। वेरी गुड, अ प्लेजर सर। बिल प्लीज। नो बिल, नो बिल, वो बाद में कॉन्फ्रेंस में एडजस्ट हो जाएगा। आप चलिए, आप प्लीज लगेज लगेज। थैंक यू। हे हे बबुआ। हां ऊ देख कैसे लगता जैसे फॉरनरवा जात रहिन जाइदा ससुरन को। हट सर, हमारा होटल फॉरनर्स के लिए जन्नत है, पैराडाइज सर, पैराडाइज। वो देखिए, वो दोनों दो तीन महीने के लिए यहीं ठहरे हुए हैं, आप शायद उनसे मिले नहीं। लेट मी इंट्रोड्यूस। नो नीड, नो नीड, हम उनको जानता, राम मूर्ति और राम तीर्थ फ्रॉम बलिया। आपको कैसे मालूम? अरे भैया हम भी वही के हैं, बलिया का। सर आप कॉन्टिनेंटल पसंद करेंगे या इंडियन? इंडियन, नॉर्थ इंडियन या साउथ इंडियन? भैया नॉर्थ इंडियन। वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन? या दोनों ले आओ, फ्राइड या बॉइल्ड। या तुम मेन्यू कार्ड इधर लाओ, हम खुद पसंद कर लेंगे, फ्राइड या बॉइल्ड। पर यार ये तो खाली है, इसमें तो कुछ भी नहीं। सर हमारे यहाँ दुनिया की हर एक चीज खाने को मिलती है, कार्ड बनाने लगेंगे तो कार्ड इतना बड़ा हो जाएगा। दुनिया की हर चीज मिलती है। हंसे नहीं सर, हंसे नहीं, हमारा कुक माइंड कर जाएगा। आप ऑर्डर दीजिए, सब मिलेगा। बकवास करता और चीज मंगवा के देख लो यार, बहस क्या करनी। ये ठीक है यार, तुम ऐसा करो, हाथी के कान फ्राई करके उसे ब्रेड में रख के ले आओ। एक प्लेट या दो प्लेट? फिलहाल एक प्लेट ले आओ। जी, वन प्लेट एलिफेंट ईयर सैंडविच, राइट सर? ये रेस्टोरेंट वाले ऐसे ही करते हैं यार, इतना लंबा मेन्यू कार्ड दे देते हैं, होता है इनके पास कुछ भी नहीं। वो तो कह रहे सब कुछ है, आप कुछ और मंगवा लें। नहीं मिला ना हाथी के कान? हाथी के कान तो है पर ब्रेड खत्म हो गई। अभी खाना तैयार है, पिंकी जरा मिंटू को बुला के ला जल्दी। मिंटू भाई जब तुम खाना बनाती हो ना तो प्लीज एग्जॉस्ट फैन चला दिया करो। क्यों? क्योंकि खाने की खुशबू सारे घर में फैल जाती है। खुशबू तो बड़ी अच्छी चीज होती है, इससे तो इंसान की भूख चमकती है। तुम्हारे हाथों में पता नहीं क्या जादू है, खाने की महक से ही भूख मर जाती है। बन गया खाना, मैं तो भूख के मारे जान निकल रही है। जान तो खैर खाना खाने के बाद भी निकल। अगर कुछ खाना खाना है तो खाओ, नहीं तो मैं बर्तन उठाऊं। नहीं नहीं, हम तो मजाक कर रहे थे। वैसे क्या बना भाई दीवे? जीरे वाली खिचड़ी। खिचड़ी? क्यों, कभी खिचड़ी नहीं खाई? खाई कैसे नहीं, महीने में 15 दिन बनती है। खिचड़ी कोई बुरी चीज नहीं, जब मैं होम साइंस कॉलेज में थी तो मैंने खिचड़ी पर थीसिस लिखा था। भूल जाओ प्लीज कि तुमने कभी होम साइंस की है। क्या? मेरा मतलब खिचड़ी का दिल नहीं है। मैं खिचड़ी नहीं खाऊंगी, मैं भी नहीं खाऊंगा। मैं तो खुद बाहर जा रहा हूँ होटल में खाना खाने। 10 मिनट ठहरो। मतलब कुछ बना रही हूँ कुछ खाने के लिए? नहीं, मैं भी तैयार होकर तुम्हारे साथ चलती समझ नहीं आ रहा क्या मंगवाया जाए। कभी होटल में खाना खाया हो तो पता चले ना। शादी से पहले मैं होटलों में खाना खाता था, ये तो होटल बिल्कुल ही नया बना है, इसलिए मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा। चिकन दो ताली, अरबी चिंगारी, सब जलेरिया। ये बीमारियों के नाम है? मुझे तो लगता है दवाइयों के नाम है। तो सामने वेटर से क्यों नहीं पूछ लेते? नहीं नहीं, क्या सोचेगा वो? सोचता है तो सोचने दो, इसमें क्या है? Any problem, sir? ये spellings ठीक लिखे हुए हैं? हाँ, yes, sir, ये French dish है। हाँ, वो तो मुझे मालूम है। Last year जब मैं France गया था तो मैंने note किया था ये spelling थे। हाँ, sir, आप official tour पर France गए थे? नहीं, वैसे दशहरा देखने। सर और कुछ पसंद आया? सुनो भाई, ये ले आओ जो चौथे नंबर पे है ना, ये 250 रुपए वाला। जर्मन अच्छी बोल लेते हो तुम। थैंक यू सर, वैसे ये फ्रेंच डिश है। यार जो भी है ना, 4 प्लेट है, जल्दी से ले आओ, भूख बहुत लगी है। राइट सर। मैं तो पहले सूप पीऊंगी, मैं तो पहले आइसक्रीम खाऊंगा। जो मर्जी खाओ, जो मर्जी मंगवाओ, खुद पढ़ो खुद मंगवाओ,
मुझे मत कहना प्रोनाउंस करने के लिए। सिज़लिंग लीरस लेंटिल काटे। नमस्कार, अब सुनिए होटल समाचार। बॉम्बे के एक चाइनीज रेस्टोरेंट में एक ग्राहक ने उस समय प्लेटे और ग्लास तोड़ डाले जब उनकी वेजिटेरियन सूप में मक्खी निकलने पर वेटर ने बजाय माफी मांगने के मक्खी के पैसे एक्स्ट्रा चार्ज कर लिए। साउथ दिल्ली के एक बहुत ही प्रेस्टिजियस होटल में एक ग्राहक और वेटर के बीच उस वक्त झड़प हो गई जब वेटर ने शराब पीकर ग्राहक को 50 रुपए टिप दे दी। कल शाम कॉकरोच यूनियन के प्रधान कुचरो ने कहा कि अगर हमारा कोई साथी होटल की दाल या सब्जी में गिरकर शहीद हो जाता है तो उसके घर वालों को होटल मैनेजमेंट की तरफ से पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। कॉकरोचों की नेशनल कॉन्फ्रेंस एक 5-स्टार होटल के किचन में पड़ी चीनी की बोरियों के नीचे हो रही थी। कॉकरोचों ने ये फैसला भी किया कि जिन होटलों की किचन सबसे गंदी होगी उन्हें सालाना होटल अवार्ड भी दिए जाएंगे। हैदराबाद की एक कंपनी ने ताजी सब्जियों से गली सड़ी सब्जियां बनाने की एक मशीन निकाली है। ये मशीन होटलों में धड़ाधड़ बिक रही है क्योंकि बहुत से होटल गली हुई सब्जियों से ही स्वादिष्ट खाना बना सकते हैं। कानपुर में एक 3-स्टार होटल की मैनेजमेंट ने सख्त वार्निंग दी है कि अगर कोई भी होटल का कर्मचारी होटल का खाना खाता हुआ पकड़ा गया तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये फैसला उस समय लिया गया जब शेफ को अपना ही बनाया हुआ खाना खाने पर फूड पॉइजनिंग हो गई। समोसा इंटरनेशनल 5-स्टार चेन ऑफ होटल्स ने लगातार 3 साल घाटा खाने के बाद फैसला किया है कि अब वो नेशनल हाईवे पर ढाबा खोलकर अपना पिछला सारा घाटा पूरा कर लेंगे। इसी के साथ होटल समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। वेटर। यस सर। क्या क्या मिलेगा खाने को? सर सब कुछ मिलेगा, सिर्फ आप बताइए कि आप क्या क्या पचा सकते हैं। मेन्यू कार्ड दिखाइए आप। सर मेन्यू कार्ड की क्या जरूरत है, मैं आपको वैसे ही गा के बता देता हूँ, आप जरा रिदम दीजिए प्लीज। मीट बासी चिकन पुराना गत्ता रोटी रबड़ कोफ्ता दाल जली हुई फिश गली हुई दही खट्टा साग निकम्मा चावल कच्चे खीरे पक्के हाय हाय चावल कच्चे खीरे पक्के। तुम्हारी आवाज तो अच्छी है लेकिन ध्यान रहे कि कोई चीज ताजी नहीं होनी चाहिए। क्या बात कर रहे हैं सर, आज तक आपके सामने हमने कोई ताजी चीज पेश की है सर? सर तो ऐसे करो, कच्चे पकौड़े बासी समोसे और ठंडी चाय हो जाए। राइट सर, दो जगह। थैंक यू सर। ये होटल वाले कह देते हैं कि यहाँ सब कुछ बासी है लेकिन ये हेरा फेरी करते हैं, कई बारी ताजी चीजें डाल देते हैं, सारा मुंह का स्वाद ही खराब हो जाता है। कल मैंने नौकर को भेज के रबड़ कोफ्ते मंगवाए, एकदम नरम, मैंने तो जब ही वापस करवा दिए। पकौड़े सर। ये पकौड़े तो मुझे बड़े करारे लग रहे हैं भाई, ये तो ये समोसे भी ताजे हैं। सर ये तो एकदम बासी हैं। यार मैं मेरा बहुत टाइम वेस्ट कर रहा हूँ यार, तुम मैनेजर को बुलाओ पहले। अच्छी ताजा। यस सर। ये क्या हो गया आपके रेस्टोरेंट को, हर चीज यहाँ ताजी है, स्टैंडर्ड गिर गया, और केक तो हमने मंगवाया ही नहीं, ये भी ताजा है। सॉरी सर, मैं अभी पता करता हूँ। बेटा आई एम सॉरी सर, गलती हो गई। क्या गलती हो गई, ये ताजा सामान यहाँ आ कैसे गया? सर ये सामान यहाँ गलती से आ गया है, दरअसल जो 15 दिन बाद बर्थडे पार्टी होने वाली है ना, ये सामान उसके लिए बना था। अब देखिए हमारा प्रोग्राम कैसे बनाएं कैसे खाएं। आज हम उन मोटे मोटे लोगों के लिए खाना बनाएंगे जो अपने मोटापे से बहुत तंग हैं। तो आइए देखिए आज की रेसिपी मोटापा कम करने के लिए। पड़ोसियों से मांगकर 6 आलू माइक्रोवेव में रखकर 8 मिनट तक उबाल लें। अब पैदल बाजार जाएं और 250 ग्राम मक्खन की टिक्की पकड़ लाएं। अब साइकिल उठाइए और मंडी से 250 ग्राम प्याज, 100 ग्राम टमाटर, हरा धनिया, गाजर ले आइए। सबको काट कर अच्छी तरह से मक्खन में भून लें। उसके बाद गैस बंद करिए और खुद एक बार फिर बाजार की तरफ रवाना हो जाइए। 1/2 किलो क्रीम और 1 किलो चिकन पकड़ लाइए। चिकन को क्रीम में 1/2 घंटे तक धीमी आंच पर पकने दें और खुद ऊपर वालों के घर से नमक मिर्च मसाले पकड़ लें। अब सब चीजों को मिलाकर 10 मिनट तक और पकने दें। अब इसे बड़ी प्लेट में डालकर ऊपर से हरा धनिया सजा दें। खाना तैयार है और आपकी भूख भी चमक रही होगी, लेकिन खाने से पहले इसमें
एक कड़छी मट्टी का तेल छिड़क देंगे। इससे आपकी भूख अचानक गायब हो जाएगी और आप भूखे पेट सो जाएंगे। ये खाना लगातार 7 दिन खाने से आपका वजन कम से कम 14 किलो कम हो जाएगा। आप एक बहुत ही मशहूर शेफ हैं। कई अखबारों में आपका इंटरव्यू छपता है, मैगजीन्स में आपकी रेसिपीज छपती हैं। आपका बनाया हुआ खाना खाकर लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। बस जी, ये सारा श्रेय, सारा क्रेडिट मेरी बीवी को जाता है। एक्चुअली मैं बहुत लकी हूँ जी, मुझे बहुत ही अच्छी बीवी मिली है। मतलब आपने खाना बनाना अपनी बीवी से सीखा? नहीं जी नहीं, उसे तो खाना बनाना आता ही नहीं था, इसलिए सारा घर का काम मुझे करना पड़ता था। धीरे धीरे मैं एक्सपर्ट हो गया खाना बनाने में। शेफ साहब, आप मैगजीन्स में रेसिपीज छापते हैं, टीवी में बताते हैं कि कौन सी रेसिपी कैसे बनानी है, फोटो देखकर ही मुंह में पानी आ रहा होता है। जी, लेकिन अगर हम टीवी में से देखकर या मैगजीन में से पढ़कर कोई डिश बनाना चाहें तो वो कुछ और ही बन जाती है। जैसे हम हलवा बनाना चाहें तो वो लेवी बन जाती है, और अगर केक बनाना चाहें तो ब्रेड बन जाती है। जी, कुछ डिशेज ऐसी होती हैं जो सिर्फ फोटोजेनिक डिशेज होती हैं। मतलब उनकी सिर्फ छपी हुई फोटो ही अच्छी लगती है, उन्हें बनाना या खाना नहीं चाहिए। और कुछ खाने ऐसे भी होते हैं जिनकी वैसे फोटो ठीक नहीं आती लेकिन स्वाद होते हैं, जैसे साग हो गया, दाल हो गया, बैंगन का भरता। आपके रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड काफी लंबा चौड़ा है, 25-30 तरह की डिशेज हैं। आप इतने तरह का खाना इतनी जल्दी कैसे बना लेते हैं? मैडम, बात दरअसल ये है कि हम सुबह सुबह ही टमाटर, प्याज, मसाले वगैरह डालकर एक कॉमन ग्रेवी बना लेते हैं। तरी, यानी कि तरी? फिर अगर कोई चीज टोमेटो मांगता है तो हम उसमें 4 टुकड़े पनीर के फेंक देते हैं। अगर कोई चिकन मसाला मांगता है तो उसी ग्रेवी में एक लेग पीस डाल देते हैं। लेकिन एक सब्जी का स्वाद दूसरी सब्जी से अलग करने के लिए आप क्या करते हैं? रेट अलग अलग कर दो जी, स्वाद का फर्क पड़ जाता है। 20 रुपए वाली चीज का स्वाद अलग है, 120 रुपए वाली का अलग। मैं देख रही हूँ कि आपके कुक्स ने मुंह पर कपड़ा बांध रखा है, बहुत अच्छी बात है, ताकि सांसों से जर्म्स खाने में ना चले जाएं और कस्टमर बीमार ना हो जाए। नहीं नहीं, हमें कस्टमर्स का इतना फिक्र नहीं होता। ये कपड़ा तो इसलिए बांधा होता है उन्होंने कि तेल और जो मसालों की बदबू है उससे हमारा कुक बीमार ना हो जाए। खैर, आप हमें अंत में ये बताइए, आप बाकी सवाल फिर किसी दिन पूछ लेना, अब मेरा जरा लंच टाइम हो गया। आपकी ऐश है, रोज होटल में बढ़िया से बढ़िया खाना खाओ। नहीं नहीं, मैं तो अपने घर से अपना टिफिन लेकर आता हूँ। क्यों? मैंने यहाँ का खाना खा के बीमार हूँ। ओके मजबूर चिकन उसने जो खाया होगा, हमरे होटल को नहीं भूल वो पाया होगा। ओके मजबूर चिकन। वेटर का उसे याद तो आया होगा। ओके मजबूर चिकन उसने जो खाया होगा, हमरे होटल को नहीं भूल वो पाया होगा। ओके मजबूर चिकन।
Thank you.